क्या आपको पता है कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां हनुमान जी लोगों को उनका भविष्य बताते हैं। हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर जिसके पास से गुजरने वाली हर ट्रेन की स्पीड खुद ब खुद कम हो जाती है। ट्रेन के बारे में, ट्रेन ऐसा है कि जब गाड़ी निकलती है तो ड्राइवर वहाँ खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से और भगवान को हार न देकर प्रणाम करते हैं वहाँ से। जब लोको पायलट से ट्रेन की स्पीड कम होने के बारे में लोगों द्वारा पूछा जाता है तो वो हैरान होकर लोगों को बताते हैं कि ट्रेन की स्पीड कोई कम नहीं करता, यहाँ खुद स्पीड कम हो जाती है। इस मंदिर के सामने आखिर ऐसा क्यों होता है इसका पता कोई नहीं लगा पाया। इसके अलावा एक और चमत्कार मंदिर में होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी लोगों का भविष्य भी बताते हैं। ये चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बुलाई गांव में स्थित है। मंदिर को सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। करीब 300 साल पुराना मंदिर लोगों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की मूर्ति के साथ गणेश जी भी विराजमान है। यहां हनुमान जी की प्रतिमा की बाईं तरफ गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में एक साथ गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमा होना बड़ा ही शुभ है, इसलिए यहां आने वाले सभी भक्तों की मुराद जरूर पूरी होती है। भक्तों का ये भी मानना है कि जो भी यहां आता है उन्हें अपने जीवन में आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कई लोगों को इसका एहसास भी हुआ। यहां मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आते ही लोगों को अपने जीवन के बारे में पूर्वाभास होने लगता है, जो कुछ ही दिनों में सच भी हो जाता है। इसलिए लोगों की आस्था इस मंदिर के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ साल 1959 में संत कमल नयन त्यागी ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया और यहाँ पर उन्होंने 24 वर्षों तक कड़ी तपस्या कर सिद्धियां प्राप्त की थी, इसलिए ये मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है। दोस्तों, भले ही ईश्वर का आकार प्रकार न दिखता हो लेकिन फिर भी उनकी शक्तियाँ हमें महसूस जरूर होती है। हनुमान जी के चमत्कार से ये मंदिर राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। इन चमत्कारों की पुष्टि आवाज 24/7 नहीं करता है, लेकिन ये मंदिर के बारे में जो कुछ भी सुनाई दिया है या जो कुछ भी दिखाई देता है, ये लोगों की आस्था है।